कक्षा दसवीं विषय गणित इकाई 11 रचनाएं प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले इसके हल में हम रचना के जो पद लिखेंगे उसको ध्यान से समझें। रचना के पद में पहला क्रमांक होगा हमारे पास क्या कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक काहे की त्रिभुज की वाले एक त्रिभुज को क्या किया अपन ने बनाया। उसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे तो ध्यान से उसके लिए सर्वप्रथम हमने सबसे लंबी भुजा मतलब कौन सी 6 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाई। सबसे लंबी भुजा है तो इसे हम त्रिभुज एबीसी की भुजा में कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो इसको हमने बीसी कहा। बीसी की लंबाई कितनी ली 6 सेंटीमीटर। अब हम स्केल और प्रकार दोनों की सहायता लेंगे और इस प्रकार को कितना 5 सेंटीमीटर फैलाया। 5 सेंटीमीटर फैलाने के बाद मान लो हम इसको सी बिंदु पर रखते हैं। सी से ए की माप हमको 5 सेंटीमीटर चाहिए तो हमने इस प्रकार से एक चाप काटा। अब क्योंकि त्रिभुज में एक भुजा 4 एक भुजा 5 एक भुजा 3 प्रकार की थी तो ये भुजा 5 की हो जाएगी ये 6 की होगी। अब हम प्रकार को स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर फैलाते हैं और उसको रखते हैं हम बिंदु बी के ऊपर और पहले खींचे गए चाप को एक स्थान पर क्या करते काट देते। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को हम नाम देंगे बिंदु कौन सा ए और इस ए बिंदु से क्रमशः सी को ए बिंदु से किसको सी को इसी ए बिंदु से किसे इसी ए बिंदु से किसे बी को क्या कर दिया मिला दिया। ध्यान से देखें तो हमारे पास एबीसी जो त्रिभुज हमको बनाने को कहा था वो कंप्लीट बन चुका है। ये भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये आधार की भुजा बीसी क्रमशः कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन ध्यान दीजिए इसके समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा इसकी 2/3 गुनी हो। इसके लिए हम एक अलग से रचना कुछ इस प्रकार से करेंगे कि बी बिंदु पर एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बनाएंगे जो कि नीचे की तरफ जाएगी। कुछ इस प्रकार से हम इसकी रचना करते हैं। अब क्या किया हमने बी से एक न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी सी किरण इस पर बना दी। हमने बी एक्स एक किरण बनाई तो अब इसको रचना के पद में हम लिखेंगे। हमने त्रिभुज तो बनाया क्रमांक 2 में लिखेंगे बी सी कहाँ बनाई हमने बी सी से कहाँ शीर्ष ए के विपरीत ओर शीर्ष ए के किस ओर विपरीत ओर न्यून कोण बनाते हुए न्यून कोण क्या करते हुए बनाते हुए क्या बनाए हमने बी एक्स किरण खींची। अब इस बी एक्स किरण पर क्यों क्योंकि हमारे पास ध्यान से देखिए 2/3 गुणे बड़ा भाग है 3 मतलब बी एक्स को 3 समान भागों में बांटते हुए चाप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो हम लिख रहे बी एक्स किरण पर क्या करेंगे 3 बिंदु बी एक्स किरण पर 3 बिंदु कौन कौन से बी वन बी टू तथा तीसरा बिंदु बी थ्री। ये 3 बिंदु हम इस पर इस प्रकार की इस प्रकार लेते हैं कि बी से बी वन की दूरी बराबर हो बी वन से बी टू की दूरी बराबर हो बी टू से
B3 की दूरी, ये तीनों दूरियां आपस में कैसी हो, बराबर हो। तो अब हम प्रकार को इतना फैलाएंगे कि इस पर आसानी से तीन समान चाप हम काट सके, और इन तीन समान चापों को काटने के लिए हमने प्रकार को फैलाया और पहले कहाँ रखा, बी पर रखा, ये एक भाग, फिर B1 मिल गया, फिर ये दूसरा भाग B2 मिल गया, और ये अब तीसरा भाग क्या मिल गया, B3। इनको हम क्रमशः नाम देंगे B1, B2 और B3। तीन भाग समान चाप हमने काट ली। अब हम B3 से अब चौथे क्रमांक में हम क्या कर रहे हैं, उसको रचना के पद में हम पहले लिखना चाहेंगे कि हमने B3 C को क्या कर दिया, मिला दिया। B3 C से हम क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। B3 से इस C वाले पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। B3 से C को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। पांचवें क्रमांक में क्योंकि त्रिभुज की जो रचना करना है वो किस हिसाब से, 2/3, तो बाहर 3 गुना त्रिभुज होगा तो अंदर 2 गुना, तो निश्चित है अब हम कहाँ से, B2 से B3 C के समानांतर एक रेखा बनाएंगे। उस समांतर रेखा को बनाने के लिए हम प्रकार की सहायता लेते, क्या करते, प्रकार को B3 पर रखते हैं और उसको किसी भी माप से हम फैलाते हैं, किसी भी माप से फैलाकर और एक चाप बनाया। माप से चाप बनाया उसमें बिना परिवर्तन किए उसी को हम कहाँ रखते, B2 पर, और पहले खींचे गए चाप के जैसे ही एक और चाप बना लेते। अब क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इन दोनों बिंदुओं की दूरी लेंगे हम। ध्यान दीजिए, रेखाखंड पर कटे हुए बिंदु की ही दूरी ले रहे हैं हम, अन्य कहीं की दूरी नहीं लेना। और इससे ये दूरी ली हमने और इसको उठाकर यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। इस कटे हुए बिंदु को किससे, B2 से मिलाते हुए आगे जाने देंगे। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को इससे क्या करते हुए, मिलाते हुए आगे की तरफ जाने देंगे, और इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, इस बिंदु को हम नाम देंगे C'। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब CA के समांतर C' से रेखा बनानी है। उसके लिए पुनः हम प्रकार को मान लो इतना ही फैला रहने दे और उससे हम C पर एक चाप बनाएं, माप में बिना परिवर्तन किए उसको कहाँ रखेंगे हम, C' पर, और इससे इसको काट दिया। अब हमको क्या करना है, जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी उसको हम एडजस्ट करेंगे प्रकार को, ये दूरी जहाँ वो रेखाखंड को क्या करता है, काटता है, वो दूरी हमने एडजस्ट की, और उसी दूरी से हमको क्या करना है, प्रकार को यहाँ रखना है और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब कटे हुए बिंदु को C' से, कटे हुए बिंदु को किससे, C' से मिलाते हुए आगे जाने देंगे, और ये हम पाएंगे कि जहाँ ये मिलता है इसे, उसको हमने नाम दे दिया क्या, A'। इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, A'। तो क्या C' A' CA के समानांतर होगी, तो यही जानकारी को अब हम अपनी थ्योरी में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, B3 C को क्या किया अपन ने, मिलाया, B3 C को क्या किया, मिलाया, और B3 C के समानांतर B2 C' बनाया, B2 क्या बनाया अपन ने, B2 C' बनाया। आगे क्या किया, CA के समांतर, CA समानांतर C' A' बनाया, और इस प्रकार क्या लिख सकते हैं हम, इस प्रकार क्या, अभीष्ट त्रिभुज
ए डैश बी सी डैश है, जो मूल त्रिभुज के कैसे है 2/3 गुना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।